सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों यार, कौन कहता है कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन वाली वीडियो एडिट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बट पहले आपने प्रोमिस करना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो फिल्टर, जो एडिटिंग और जो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर ये दो एप्लीकेशन अगर आप यूज कर लेते हो अपनी वीडियोज में, तो दोस्तों आपकी कोई भी वीडियो दोस्तों एंड्रॉइड मोबाइल की वीडियो आईफोन की तरह रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, 100%। तो वीडियो को चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हैं पता नहीं चलेगा कि भाई ने एंड्रॉइड मोबाइल से ऐसी वीडियो कैसी बनाई। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। सो चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं, किसी भी किस्म के दोस्तों वीडियो को मिस ना करें दोस्तों। और जो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तरीके मैं आप लोगों को बाकी बताने वाला हूं। सो चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं। हम अपने मोबाइल में आ चुके हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे आप दोस्तों लिंक पे क्लिक कर लेते हो तो आप सीधा यहाँ पर आ जाते हो दोस्तों। 16 बेस्ट माइंड ब्लोइंग वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन, इस पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो दोस्तों आपके पास दोनों के दोनों एप्लीकेशन आ जाएगा, और आप इजी तरीके से दोस्तों आप वीडियो को एडिट कर पाओगे, सभी मोबाइल में काम करता है। चलिए अब ओपन कर लेते हैं, और किस तरह काम होता है वो मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं अपने डेटा को ऑफ कर लेता हूं, यहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है फूडोज़, जो कि गूगल फूडोज़ है। इसका अभी अपडेट वर्जन मैंने आप लोगों को लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आपको इसमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। साथ में हम दोस्तों कैपकट को भी यूज़ करेंगे, दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो वीडियो दोस्तों आपने पिक कर देनी है जो आपने अपने मोबाइल से शूट की है। तो सिंपल सा, यहाँ पर हम लाइब्रेरी में आएंगे, कैमरा पे आएंगे, और कैमरा पे आने के बाद चलिए वो वीडियो हम ढूंढ लेते हैं जिसे आप दोस्तों DSLR की तरह बनाने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थोड़ा पीछे जाना है, पीछे जाना। अब ये वाली वीडियो हमारे पास ये वाली पड़ी है। सो ये दोस्तों ये देखिए सिंपल सी वीडियो है, इसमें इतनी कलर ग्रेडिंग कुछ भी नहीं हुआ, आप लोगों को पता चल रहा ही होगा। बट यहाँ पर हम कलर ग्रेडिंग भी करेंगे, स्काई भी ब्लू करेंगे, और मैं आप लोगों को वो सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे दोस्तों आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है। सो सिंपल सा आपने एडिट पर क्लिक कर देना है, जैसे आप एडिट पर क्लिक कर लेते हो ये एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास कुछ फिल्टर्स आ जाएंगे। सो सबसे पहले दोस्तों आपने कौन सा वाला फिल्टर ऐड कर देना है, यहाँ पर दोस्तों आपको बाजार के नाम से फिल्टर मिल जाएगा, जस्ट उसको दोस्तों आपने फिल कर देना है। ठीक है, ये वाला। अब इस वाले पे आपने सेलेक्ट कर देना है, इस पे सेलेक्ट कर देना है, फिर से इस पे सेलेक्ट कर देना है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो दोस्तों आपने 20 रख देना है। ठीक है, 20 रखने के बाद दोस्तों आपने फिर से इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आना है, ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए आपकी मूवमेंट का। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट पे आपने आने हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 40-50 पे रख लेना है अपनी वीडियो के हिसाब से। कंट्रास्ट को थोड़ा सा आप नीचे की तरफ लेके जाना है, वाइट को दोस्तों पीछे की तरफ लेके जाना है, ताकि जो आपकी स्काई की कलर है वो मुकम्मल मेजेंट करे। शेड को दोस्तों आपने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है, ब्लैक पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ, स्ट्रक्शन को मुकम्मल कर देना है। मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, यहाँ पर कलर मुकम्मल ज़्यादा हो गई है, आपने घबराना बिल्कुल ही नहीं है। जो स्किन टोन है दोस्तों इसको आपने पीछे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब अपनी जो फेस का कलर है वो आप लोग देख सकते हो, ब्लू टोन को ऊपर कर देना है फुल, यहाँ से वरा आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा लेके जाना है, ये भी फुल हो गया, ये थोड़ा सा आपने रख देना है, शेड को थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है, आराम आराम से करना है, जिस तरह अपने जितना दोस्तों आप आराम से करोगे उतनी आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। कंट्रास्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है, ब्राइटनेस को मुकम्मल कर देना है, अपनी वीडियो का हिसाब देखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका काम मुकम्मल हो गया, अब इस वीडियो को दोस्तों आपने सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव कर लेते हो तो मैं आप लोगों को बताने पर फिर आपने क्या कर। चलिए दोस्तों हमारी वीडियो सेव हो चुकी है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कैपकट में। सो कैपकट को हम ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों वही वीडियो हम पिक करने वाले हैं। यहाँ पर कैमरा में आएंगे, कैमरा में आने के बाद कैमरा में हमारे पास एक ही वीडियो आ रही है पता नहीं क्यों। सो फिर से कैमरा पे फिर से आ रही है, इस कैमरे पे जाएंगे, इस पे भी आ रही है।
सो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सारे के सारे वीडियोज़ आ चुकी है। अब जो वीडियो हमने एडिट की थी, जिस वीडियो में हमने थोड़ा सा जो के गूगल फोटोज़ में हमने एडिट किए थे, वही वीडियो दोस्तों हम यहाँ पर पिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो वो वीडियो यहाँ पर हमारे पास है, वो मैं पिक कर ले। तो देखिए दोस्तों, ये वाली वीडियो है, ये हमने पिक कर ली। अब ये हमारी पिक हो गई है। अब वीडियो, अब यहाँ पर जो पार्ट आपको चाहिए वो आप पार्ट आपने दोस्तों, आपको जो नहीं चाहिए उसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस वीडियो को यहाँ पर आपने रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, एडजस्टमेंट का, इस पर आपने टैप कर देना है। एडजस्टमेंट पर करना है और यहाँ पर एच एस एल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो एच एस एल पर आपने दोस्तों सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से ग्रीन को मुकम्मल कर देना है, इतना भी मुकम्मल नहीं अपने हिसाब से। ब्लू को मुकम्मल कर देना है बिल्कुल, और जो एलिमेंट्स हैं इसको पीछे की तरफ लेके जाना है, साथ में इसको भी मुकम्मल कर देना है, ब्लू को मुकम्मल कर देना है। और जो माल्टा कलर है, जो कि आपके फेस का कलर है, इसको अपने अपने हिसाब से रख देना है। ठीक है दोस्तों, येलो को ना, येलो को आपने फुल कर देना है, यहाँ से इसको ग्रीन कर देना है। अब अपनी वीडियो का दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आपका जो जितना भी सारा का सारा लुक था वो है, यहाँ पर जितना भी आपका लुक था दोस्तों, आपका लुक आईफोन की तरह बन चुका है। अब चलिए यहाँ पर इसका जो एड पार्ट है वो हम करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कुछ स्लो मोशन डालेंगे। सो यहाँ पर इस पार्ट में हम यहाँ तक इसको हम स्लो मोशन देंगे। स्लो मोशन देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल आ गई है। सो चलिए यहाँ पर हम कुछ इसमें स्लो मोशन भर लेते हैं। ठीक है, सो ये स्लो मोशन आ जाएगा इसमें, साथ में इस पार्ट में भी हम स्लो मोशन डालेंगे। सो इसको भी दोस्तों आपने काट कर देना है, यहाँ तक आपने स्लो मोशन देनी है। सो इसको भी सेलेक्ट कर देना है, स्पीड पे डायल कर देना है, नॉर्मल पे कर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी वीडियोस फर्स्ट और स्लो में भी बन जाएगी। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारी वीडियोस को। तो देखिए दोस्तों, ये स्लो हो गई है अब हमारी वीडियो, यहाँ पर फिर से फास्ट हो गई है और यहाँ से फिर से स्लो हो गई है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप स्लो और फास्ट वीडियो भी बना सकते हो, आईफोन की तरह भी वीडियो बना सकते हो, बहुत ईजी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।